ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनवीएस लाइक नेहा ओनली, और ये लोग भी आपको बहुत गाइड कर सकते हैं, इनका कनेक्शन हो चुका है। मिस्टर तोलाराम वेलकम, तोलाराम अनम्यूट कीजिए। मेरी वॉइस आ रही है तोलाराम आपको? चलिए जब तक वो आते हैं या अनम्यूट करते So हैं there is बाय a द एंड। question for a maths teacher, please. यस मैथ्स टीचर इज रेडी। Yes, ma'am. Ma'am, आपको maths lab के बारे में तो पता ही होगा, तो आप उसके कुछ uses बता सकते हैं maths lab के? मैम maths lab में हम Maths. एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, जैसे वहां पे हम उनको सेप दिखा आवाज, सकते मैम थोड़ा आवाज. हैं मैम, वहां पे हम बच्चों को सेप अच्छे से दिखा सकते हैं, उनको अच्छे से समझा सकते हैं कैसे हमने एक सर्कल को 360 एंगल पे घुमाया, और कैसे एक स्फीयर बनाया, कैसे हमने कौन रेक्टेंगल को घुमा के कौन बनाया, उनकी शेप को अच्छे से जी क्लियर कर सकते हैं मैम. और मैम टेबल का अरेंजमेंट अच्छे से बता सकते हैं, इस तरह एग्जांपल देके हम उसका यूज कर सकते हैं. मैम, ऐसे क्वेश्चंस के, मेरा एक सजेशन है, ऐसे क्वेश्चन के ना आंसर्स आप फॉर्म कर लीजिए पहले. जैसे इसको आपने जो बोला ना, हम उसको बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, है ना. इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो आप इसके कुछ पॉइंट्स बना के चल लीजिए, क्योंकि फॉर श्योर ये क्वेश्चन आने वाले हैं. साइंस वालों के लिए साइंस लैब के क्वेश्चंस, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स लैब के क्वेश्चंस. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग जो होगा, इट इज बेटर टू बी डन मैथमेटिक्स लैब के अंदर. हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन जो है उनका खुद होगा. मतलब ये तो कंसेप्ट लर्निंग बाय डूइंग का, हमारी NEP 2020 का भी मेन कंसेप्ट है मैम. ओके मैम, तोलाराम आर यू देयर? और फिर एक चीज और, यस सर, यस सर, एक और हाँ मैम, जी, ये आ जाओ, मैथ्स लैब का जो हेलो, स्कीम नमस्ते है, इट सर, विल प्रमोट नमस्ते। कोलैबोरेटिव लर्निंग आल्सो. चलिए मिस्टर तोलाराम वेलकम, कैसे हो आप? सर एकदम बढ़िया है सर, आप बताओ, आप बताइए सर। जी जिन्हें हाय लो कर लो भाई मिस्टर तोलाराम से, तोलाराम सबको हाय कह सर, दीजिए आप। गुड हेलो सर, मॉर्निंग सर, सर, हमें गुड ज्यादा जानना है मिस्टर आफ्टरनून टू तोलाराम ऑल. से, जो ऑलरेडी एनबीएस में सेलेक्टेड है और जॉब कर भी रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहे रिगार्डिंग इंटरव्यू, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग, ओके? तो मैडम पहले तो मैं कहना ये सर, चाहूंगा ये कि सर, केबी हाँ जी तोलाराम तोलाराम, सर, क्या आप कहना चाहते हैं आप? कहीं, हाँ, ये मतलब ये केबीएस से है या एनबीएस से, ये जो केवीएस एस्पिरेंट है केबीएस? मैक्सिमम आर केवीएस नाउ, हाँ ओके जी, हाँ जी, ये सब केवीएस। ओके 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 सर. और आपके अभी साथ में यहाँ एनबीएस पर वालों का एनवीएस इंटरव्यू हो बहुत गया अच्छे है, हैं। अभी हम लोग ने हाँ हाँ सर, एनबीएस का इंटरव्यू दिया है सर, और अब ओके, केबीएस के लिए वेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आए तो उसका भी इंटरव्यू देने की वो मिल जाए, संभावना तो हो रही है, रिजल्ट आएगा तो समझ में ओके आएगा. ओके सर. तो सर सब्जेक्ट क्या है सर आपका? इनका कंप्यूटर है, मेरा पार्थ सब्जेक्ट जी तो का कंप्यूटर साइंस कर रहा सर. कंप्यूटर साइंस. जी ओके ओके सर. देखो एक्चुअली ये है कि केवीएस और एनवीएस जो हैं ये एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे अदर जितने भी स्टेट की वैकेंसी या है या फिर कोई अदर वैकेंसी है, तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे कोई मिनिस्ट्री है वगैरह वगैरह का, उसका प्रेशराइज हो जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो मतलब जैसे हम कहें कि कुछ पैसा भी चल जाता है। लेकिन जो ये दोनों बॉडी हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी हैं, ये वैसे ही मतलब एक तरीके से काम करती हैं जैसे यूपीएससी करती है, ठीक है? तो यहाँ बैलेंस पर ओवरऑल हमारा जो वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है 30 मिनट की 15 मिनट की इंटरव्यू में, उसी के बेसिस पर यहाँ पर हमें मार्क्स मिलते हैं। इसमें अदर कोई वो नहीं होता है कि मतलब पहले से सेटिंग हो गई, ये हो गया, ऐसा नहीं नो चलता है प्रोजेक्ट और नो मनी, है ना? तोला राम सर, तो मुझे ये हमें बताइए मतलब, कि हाँ क्या होता है यूजुअली, जैसे हमने इंटरव्यू भी दिया है ना, तो हाँ इंटरव्यू में हमको बोर्ड पे भेज दिया, और हमारे पाले में, बिल्कुल बेसिकली हमारे पाले में ही बोलते देखा जाए तो. लेकिन वहां हाँ हुआ क्या कि जो क्वेश्चन हुए हैं उनके आंसर हमने उनके अकॉर्डिंग दे दिए, जैसे जितना वो समय चाह रहे थे, जितनी देर में चाह रहे थे इंटरव्यू खत्म करना, उतनी देर में हमने खत्म कर दी. लेकिन मैंने ओके इंटरव्यू देने के बाद रियलाइज किया कि अगर हम चाहते, जैसे उन्हें कोई क्वेश्चन किया तो हम चाहते तो उसको हम लंबा खींच सकते थे, तो खींच ये सकते थे जरूरी बिल्कुल, है हाँ मैं अपने अकॉर्डिंग उसको लंबा चलाऊं, ये ठीक था जैसे वो पूछ रहे हैं उसके उनके हिसाब से चलने दें, क्या ज्यादा सही नहीं सर, रहेगा? एक्चुअली ऐसा भी होता है सर, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं
उनका हम डायरेक्ट वे में अगर जवाब दें तो थोड़ा बेहतर रहता है सर, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है, उनको भी पता नहीं मतलब कितने इंटरव्यू लेने हैं, अपने बाद कितने कैंडिडेट वेटिंग में होंगे, ठीक है, उनका सबका वो खत्म करना होता है, उनको फिनिश करना होता है, और उनकी भी एक टाइम बाउंडेशन होती है, सर अगर मुझे हम मुझे उनको भी यही हाँ लगा था कि वो टू द पॉइंट आंसर चाहते हैं, अगर उससे थोड़ा हाँ हम हाँ बढ़ाना बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल तो मैम बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं बस हाँ आपसे इतना पूछा गया इतना ही राइट बताइए, बिल्कुल सही। मतलब तो डीप जाने के लिए टोनर उन्होंने ऑफ नहीं वॉइस कहा। मेरा वही हुआ, मैंने अभी जी नवोदय का दिया है इंटरव्यू, तो मैंने क्या टू द हाँ पॉइंट ही बताया, क्योंकि उन्होंने पहले हिंट किया था कि समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, जी तो सर मुझे हाँ भी ये बिल्कुल लग रहा बिल्कुल था यही कि यही हाँ, मुझे भी बहुत तो बार ये लगा कि मुझे थोड़ा बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो उन्होंने उतना मौका नहीं दिया, उन्होंने टू द पॉइंट क्वेश्चन किया नहीं और दिया, तुरंत आंसर पाने के बाद वो बोले ठीक है बहुत अच्छा फिर अगला प्रश्न, ऐसे वो पूछ और रहे मेरा थे। इंटरव्यू सर, मेरा बस इंटरव्यू लगभग 8 से 9-10 मिनट में ही फिनिश हो गया था, इतना ही हुआ है। बस एवरेज ये इतना ही रहता है सर, एवरेज इतना ही रहता है सर इनफ वो तो हाँ, क्योंकि वो मैटर नहीं करता है कि हमारा इंटरव्यू 15 मिनट चला, 10 मिनट चला, 5 मिनट चला, राइट उनको जो चाहिए वो अगर उनको उस टाइम में मिल गया मीन्स अपने मार्क्स अच्छे जी। आएंगे, ठीक है, सर वो डेमो जो टाइम टीचिंग के लिए कितना बाउंडेशन टाइम, डेमो टीचिंग के लिए सर कितना टाइम मिल जाता है फिर भी, मतलब एक एवरेज वैसे अगर देखेंगे। देखा जाए तो अभी हमें केवीएस में बोला गया है कि डेमो टीचिंग का और जो हमारा इंटरव्यू है उसको 30-30 मार्क्स देना है, ठीक है ना, मीन्स हाफ हाफ टाइम देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो टोटली उनके इंटरव्यू बोर्ड पर डिपेंड करता है कि उनके पास टाइम कितना है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कभी चाहते कभी हैं ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना टाइम लग जाता है कि वो जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचते हैं वहां तक फिर उनका टाइम थोड़ा सा कम बच जाता है, तो वो हम ये कह सकते हैं 2-2, 3-3 मिनट भी हो सकता है हमें डेमो के लिए मिले, हो सकता है 5-7 मिनट भी मिले, ठीक है ना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमारा भी डेमो हुआ था तो लगभग 2 या 3 मिनट ही हुआ था, मैं कुछ पढ़ाने ही लगा था, इतने में उन्होंने वापस बुला लिया कि सर आ जाइए, फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, है सर मेरा ना, क्वेश्चन तो आपसे है कि बेसिकली जी वो जी मैम इंटरव्यू में चेक क्या करते हैं, मानते हैं सब बहुत लोग हैं बहुत अच्छे जानकार हैं, अंदर गए नर्वस हो गए, लेकिन आप जानकार और बहुत अच्छे हैं, टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो ऐसे में वो हाँ चेक क्या करेंगे, मैडम मानते हैं वो थोड़ी चेक घबराहट यही में कुछ करते गलत बोल दिए। हाँ मैडम वो चेक यही करते हैं कि अगर आप वहाँ जाकर भी स्माइल पास कर रहे हो, मतलब आप आशावादी हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप इस पोस्ट के लायक हो, अगर वहाँ जाकर आपके अंदर फियर आ रहा है, उनको आपके मतलब कोई आपके फेस पर कोई शिकन नजर आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप डरे हुए हो, ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, या फिर आप इंटरव्यू देने से थोड़ा कतरा रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर वो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो टोटली हमारा कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं कि हम में कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली और एक संकोच करके बोल रहे हैं, तो फिर वो समझ जाएंगे कि जब इसको हमारे सामने कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये 40 बच्चों के सामने जाकर कैसे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाएंगे, जब हम 5 ये मेंबर हैं इसमें इंटरव्यू बोर्ड में, उनके सामने हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम कैसे तो उम्मीद सर कर लें कि हम यहाँ चालीस बच्चे एक मनोवैज्ञानिकता ये होती है कि जो हमारे सामने बैठे होते हैं वो लगभग हमारे पिताजी की उम्र के होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, नहीं हम नहीं उनसे नर्वस होते हैं, नहीं इसी को नहीं तो मैडम हमें हमें निकालना वहां है नहीं नहीं लगते नहीं डर। नहीं नहीं मैडम हाँ यही 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 दिक्कत है मैडम, हम वहां पर आगे जब हम उनको डेमो दे रहे हैं, हम उनको जब इस टाइम मतलब टीच कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे स्टूडेंट हैं, हम उनको अगर हम आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम बीच बीच में जब डेमो देते हैं तो क्वेश्चन भी करते हैं ना ये स्टूडेंट से, तो हम उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हमें वहाँ उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना है, वो भले ही ऑफिसर है लेकिन अपने सामने हम उनको डेमो दे रहे हैं, मीन्स वो अपने स्टूडेंट है, वो वैसे ही सुनेंगे जैसे स्टूडेंट हमारी बात को सुनेंगे, सर सही मेरा ना, एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरा सब्जेक्ट हाँ ना पीजीटी मैथ्स है, तो जैसे आप बोल रहे हो डेमो टीचिंग के लिए कि अगर हम 5-7 मिनट का एक टाइम ड्यूरेशन लेके चलें, तो अगर हम कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हायर सेकेंडरी लेवल पे मैथ्स का, तो हाँ हमें स्टार्ट करने में ही हमारे 4 या 5 मिनट ना बहुत जल्दबाजी करेंगे तब भी 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, और वहां हमें लग वो जाते हैं टॉपिक हाँ पूरा हाँ तो फिर मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि वहां वो एक टॉपिक एक भी पूरा सेकेंड करना है। तोनाराम सर जी आप आपका म्यूट हो ऑडिबल गया नहीं है, एक बार हो म्यूट आप, अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट म्यूट इट इज।
मिस्टर तोलाराम म्यूट अनम्यूट कीजिए, म्यूट है अभी भी। अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं ना आप अपने को, अच्छा बता रहे, एक्सपीरियंस अच्छा हेलो अच्छा हाँ जी हाँ जी, कंटिन्यू, हेलो। शाबाश, यस यस कंटिन्यू। हाँ ओके। हाँ मैडम, आप जो बता रहे थे ना कि जो मैथ्स में 4-5 मिनट लग जाते हैं अपने को इंट्रोड्यूस करने में ही, तो जब हम इंट्रोड्यूस, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? यस हाँ यस जी सर, यस सर, आवाज आते हैं, हेलो। आ रही है, बोलिए, हाँ आप बोलिए, तो आपकी आवाज आ हम जब रही है। वहाँ पर तो मतलब जो इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर का, ठीक है, जब बच्चों को उस चैप्टर की मेन हेडिंग तक पहुंचने के लिए जो भी वो बैकग्राउंड हम तैयार करते हैं, तो जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, बोर्ड पर डेट लिख रहे होते हैं, चैप्टर लिख रहे होते हैं, टॉपिक वगैरह, तो वो खुद हमें टोक देते हैं कि आप डायरेक्ट बोर्ड वर्क छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट पढ़ाइए। क्योंकि हाँ उनको भी ऐसा पता होता है। है कि हमें, उनको भी क्या है कि डायरेक्ट कंटेंट चाहिए कि हमारे अंदर मतलब कितना कंटेंट नॉलेज है, ठीक है, हम किस तरीके से हम उसको मतलब प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा है हमारा, हमारी वॉइस इतनी मजबूत है या नहीं कि 40 बच्चों को सुनाई दे, पता चले हम जो स्टार्टिंग के 4-5 बच्चे हैं वहां तक ही हमारी आवाज आ रही है, पीछे आवाज ही नहीं पूछ रही, तो वो सब वो चेक करते हैं वहां पे। हम जब वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो ओनली 5 मेंबर वहां पर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, हम गलती ये कर बैठते हैं कि हम डेमो टीचिंग में ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हमें 5 को ही सुनाना है, हमें ऐसे करना है वहां पे कि 40 बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं और हम जब डेमो टीचिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हॉल गूंजना चाहिए अपनी आवाज से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब हमें ऐसा नहीं है कि उनको पता है टाइम मैनेजमेंट कितना है क्या है, वो सब आपको खुद बताते रहेंगे, आपको बीच बीच में वो टोकते रहेंगे कि बस बस हो गया, बस अपने को जी अपने सर, उस यही पर वो सर ध्यान यही देना मैं है। कहना चाह रही थी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरे गांधी जी के टॉपिक में ऐसे ही हुआ था। मैंने जैसे ही गांधी जी का बर्थडे स्टार्ट हाँ किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके आंदोलन आप लिख दीजिए। जब मैंने लिखने स्टार्ट किया बस तो बस उन्होंने बोला बस नहीं, आप सिर्फ थ्रोली बता दीजिए। बस 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 इसीलिए वो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सब करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं होता, उनके पास भी टाइम नहीं होता है, वो भी क्या है कि उनको भी मतलब कब मतलब दो दो शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद में सेकंड इवनिंग शिफ्ट होगी, उससे पहले उनको लंच करना है, तो उनके लिए भी बहुत सारा वो हो जाता है। और कुछ? ये टाइम की शॉर्टेज दुनिया में हर जगह पर है क्या? हाँ हाँ सर, ये मेरे पास भी है सर, अभी मैं भले मैं मगर मैंने ऑनलाइन तो एक आपसे कोटेशन पढ़ी ट्रांजिट है करवा कि अ देता। बिजी पर्सन हैज टाइम फॉर एवरीबॉडी या एवरीथिंग, मैंने तो ये आप पर नोटिस लागू पढ़ी हो है। जाती है सर, आप पर लागू हो हाँ रही ना वो। नहीं 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 सर, मुझसे नहीं, अभी वैसे अभी, ही। हाँ अभी, मतलब ये हाँ कोटेशन सर है ना, मैंने अभी बस। अभी मैं आपसे मतलब, हाँ, अभी जो सर मीटिंग बिजी चल रही है पर्सन ना सर सीरियस होते अपनी, हैं, वो इस थोड़ा बीच थोड़ा में टाइम सब दो, चीज के लिए निकाल लेते हैं, चलिए सीरियसली रुक लेते भाई, हैं। आज हाँ हमारे जी पास हाँ एक हाँ वही न्यू निकाल कॉमन है, लेते हैं थोड़ा सरस्वती थोड़ा टाइम वंदना सब से चीज हम लोग के इसको लिए। फिनिश करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे, चलिए फास्ट स्टार्ट, यस सरस्वती वंदना। मेघ तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्राभिता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रभृति भी देवहि सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती।